World Trade Organization. विश्व व्यापार संगठन. मैंने पहले भी आपको बताया कि 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ. ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसमें जो डिसीजन लिया गया था, ये एक IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा वर्ल्ड बैंक और तीसरा GATT. सेंट्रल एक्टमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ये तीन. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, जबकि GATT एक एग्रीमेंट था, समझौता था. फिर यानी वर्ल्ड के ट्रेड को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, वर्ल्ड के ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाए, वर्ल्ड वाइड जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये एक प्रॉब्लम था. और वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट एंड हुआ, तो उसके बाद पूरे विश्व की जो व्यापारिक यानी जो ट्रेड वो पैरालाइज हो गया, अस्त व्यस्त हो गया. ये जरूरी था कि ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जाए, ट्रेड को कैसे इनहेंस किया जाए, ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए. एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे जो इस ट्रेड को मैनेज करे. तो एक समझौता हुआ कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड यानी दो पर एक सामान्य समझौता होना चाहिए, एक कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें पूरी दुनिया के देश शामिल. और यानी इसका उद्देश्य ये था कि आगे चलकर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी एक संस्था बनाई जाए. इसलिए जब 1986 में इस पर बातचीत शुरू हुई, यानी एक डायलॉग शुरू हुआ, इसको यूरोपीय वार्ता कहते हैं, यानी यूरोपीय डायलॉग, क्योंकि यह यूरोपीय में हुआ था, इसलिए इसको यूरोपीय डायलॉग कहते हैं, यूरोपीय ट्रेड के, यानी यूरोपीय वार्ता, यानी यूरोपीय डायलॉग जो 1986 से लेकर 1993 तक ये डायलॉग चल GATT का. इस पर डिस्कशन हुआ, लंबा डिस्कशन हुआ, 8 राउंड की बात हुई. उसके बाद 8 राउंड की बात के बाद 1 जनवरी 1995 को यानी बस January 1995 को ये WTO establish किया गया, यानी establishment year 1 January 1995 ये WTO अस्तित्व में आया, WTO की स्थापना. और इसलिए इसको वॉचडॉग भी कहते हैं.
यानी पूरे विश्व के व्यापार पर मैं नजर रखता है, इसलिए इसको वॉचडॉग भी कहा जाता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना होगी, निश्चित तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी थी डब्ल्यूटीओ की। 1994 में सारे सदस्यों ने इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया और 1 जनवरी 1995 से ये अस्तित्व में आ गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी जिम्मेदारी थी, विश्व के व्यापार को व्यवस्थित करना था। व्यापार में तो सबसे बड़ी बाधा थी, या सबसे बड़ा जो चैलेंज था वर्ल्ड वर्ल्ड के डब्ल्यूटीओ के सामने, वो था पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंट, और दूसरा कृषि यानी एग्रीकल्चर। डब्ल्यूटीओ के सामने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वैसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, इसका भी चैलेंज था। आखिरकार पर्यावरण को बचाए रखते हुए जो प्रेजेंट नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे फुलफिल करें, ये भी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने चुनौती थी। क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका उपयोग करके, उसका यूटिलाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना था। तो स्वाभाविक था कि डब्ल्यूटीओ के सामने ये भी एक चैलेंज था कि एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर दोनों को हमें बचाना। इसके साथ साथ एनवायरमेंट यानी पॉल्यूशन, डेवलपमेंट से कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो पर्यावरण को, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। इसका ड्रास्टिक कृषि पर भी पड़ता है, एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपिंग कंट्री भी है और डेवलप कंट्री की आवश्यकताएं अलग थी, तो डेवलपिंग कंट्री की आवश्यकताएं भी अलग थी। दोनों के बीच संतुलन कायम करना ही डब्ल्यूटीओ की एक जिम्मेदारी थी। तो 1995 में, यानी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों तो यूएनओ की एजेंसी है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है, लेकिन डब्ल्यूटीओ यूएनओ का यूएनए की एजेंसी नहीं है। ये यूएनओ से एसोसिएट नहीं हुई, ये दोनों आईएमएफ और डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स यूएनओ से एसोसिएट हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ यूएनओ से एसोसिएट नहीं। इसका मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर्स जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर, जहां से सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाए। अब विश्व व्यापार संगठन का व्हाट इज मोटिव, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार
विश्व व्यापार संगठन का? उद्देश्य यानी इसका मोटिव क्या, क्यों एस्टैब्लिश, क्यों इंस्टॉल किया गया? तो सबसे पहले जीवन स्तर में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, यानी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा, इनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड। जीवन स्तर में वृद्धि कैसे हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज। पर कैपिटा इनकम ज्यादा, पर कैपिटा इनकम किसी भी देश का प्रति, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी, वहां के लोगों का जीवन स्तर उतना ही बेहतर। और पर कैपिटा इनकम को इनहांस करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हमें बढ़ाना है। और इसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेस नेशनल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हमको करना होगा, तभी हम सीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब ये बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होता है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है तो हेल्थ, हेल्थ सेक्टर सिक्योर, एजुकेशन पे खर्च ज्यादा हो, एजुकेशन पर ज्यादा खर्च हो, इसके अलावा सेविंग, सेविंग से कैपिटल इंफॉर्मेशन यानी पूंजी का निर्माण होगा। और इसके बाद जब इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेस, सोशल रिसोर्सेस, उसका किस प्रकार यूटिलाइज किया जाए, 100% यूटिलाइज किया जाए, ताकि हम अपने जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ा सकें और पर कैपिटा इनकम को हम बढ़ा सकें, जिससे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूव हो, लिविंग स्टैंडर्ड सुधार। नेक्स्ट अगर इसका मोटिव अगर देखें, पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग और प्रभावपूर्ण यानी फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्टिव डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट और इफेक्टिव डिमांड को क्रिएट कर। इफेक्टिव डिमांड किसको है, यानी जब लोगों में खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर, एक बड़ी आबादी है, उसकी डिमांड भी है, उसकी नीड भी है, लेकिन वो फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है, इसको इफेक्टिव डिमांड नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ी आबादी है और उसकी इनकम इतनी अच्छी है कि वो किसी भी मांग को पूरा करने की स्थिति में है, यानी परचेजिंग पावर अधिक है, और परचेजिंग पावर अधिक होने की वजह से इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होता है। और जब डिमांड क्रिएट होगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको सप्लाई भी
सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता में कमी आएगी। इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, प्रोडक्शन जब नीचे आएगा यानी जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूस क्यों करें, और जब प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर फैक्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री क्लोज हो सकती है। वैसी स्थिति में अनइंप्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगा, इसलिए हम डिमांड क्रिएट करें। डिमांड क्रिएट करेंगे, उस डिमांड को मीट करने के लिए हमें प्रोडक्शंस बढ़ाने होंगे, और जब प्रोडक्शंस बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स की जरूरत होगी, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम होगा, सेविंग होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ये एक सर्कल, और ये सर्कल पूरा होगा। अब तीसरे उद्देश्य की तरफ हम बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के WTO का जो तीसरा उद्देश्य है, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार का विस्तार करना। वस्तुओं का उत्पादन उत्पादन और व्यापार का विस्तार, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का हम उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी हमारे पास जो संसाधन है, जो संसाधन है उसमें प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, दो प्रकार के रिसोर्सेस है। इसका जब इन दोनों का उपयोग होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तेजी से बढ़े। अब इस प्रोडक्शन को, इस वस्तु, इन वस्तुओं को हमें मार्केट तक ले जाना, और मार्केट तक ले जाने के लिए हमें व्यापार की आवश्यकता, व्यापार को एक्सपेंड करना होगा, यानी अपने व्यापार को बढ़ाना होगा, हमें नए नए क्षेत्रों से खुद को जोड़ना होगा, विश्व के कोने कोने में अपनी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए, अपने गुड्स को वहां तक ले जाने के लिए, वहां के बाजार तक ले जाने के लिए हमें ट्रेड का विस्तार करना होगा, और इसमें WTO की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक वर्ल्ड लेवल पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई हर्डल आता है तो उसको वो शॉर्ट आउट कर सके, उसका वो निपटारा कर सके। इसलिए हम, हमें अगर हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अगर भारत अभी स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर है, और जब सारे देश आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर ट्रेड इफेक्ट हो, इसलिए कई ऐसी जरूरतें, अब जैसे भारत पेट्रोलियम में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ये रिसोर्सेज है ही नहीं। इसी प्रकार अरबियन कंट्री अनाज में कभी वो
आप निर्भर हो ही नहीं सकते हैं, उन्हें दूसरे देशों से अनाज मंगवाने ही पड़ेंगे। जिस प्रकार हमें पेट्रोल मंगवाना पड़ता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाना पड़ता है, उसी तरह उनको भी मंगवाना है, तो इसलिए एक म्यूचुअल ट्रेड के लिए। लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमारे बेसिक नीड्स हैं, उनको हम इतना बढ़ाएं कि हम आत्मनिर्भर हो। अगर हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे, तो फिर उन वस्तुओं को विश्व के बाजार तक यानी वर्ल्ड मार्केट तक ले जाने के लिए हमको ट्रेड की जरूरत है। हमें नए नए क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ना होगा, नए नए क्षेत्रों से नए नए क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनानी होगी, अपनी एसेस बनानी होगी। इसके लिए WTO की जिम्मेदारी ही बनती। ये तीन उद्देश्य, चौथे उद्देश्य, ये तो थी गुड्स का। अगर हम चौथे उद्देश्य की तरफ बढ़े तो सेवाओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, और व्यापार का विस्तार। और व्यापार का विस्तार यानी प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। किसी भी देश की इकोनॉमी तीन हिस्सों में बटी होती है, एक प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें उद्योग यानी वस्तुओं का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, यहाँ पे सेवा का उत्पादन होता है। जैसे बैंक, बीमा, संचार, आज की तारीख में ये सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप है, तो यहाँ पे सेवाओं का भी उत्पादन होना और अपनी सेवाएं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना, ताकि उसका ऑप्टिमम बेनिफिट हमें मिल सके, ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हम कर सके। तो गुड्स एंड सर्विस, गुड्स गुड्स एंड सर्विस को हमें प्रमोट करना है, इसके प्रोडक्शंस को भी और इसके व्यापार को। अगर बैंकिंग सिस्टम हमारा बेहतर होगा, बीमा इंश्योरेंस सेक्टर हमारा बेहतर होगा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हमारा बेहतर होगा, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अगर बेहतर होगा, तो हम विश्व व्यापार में अपनी एक जगह बना सकते हैं। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स गुड्स, फिर हमें सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर को, जिसको डोमेस्टिक सेक्टर सेक्टर भी कहते हैं, इस सेक्टर्स को एनहांस करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पॉसिबिलिटीज है तो इसी सेक्टर, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज, सबसे ज्यादा संभावनाएं इसी सेक्टर में है। और खासकर पैंडेमिक के दौर में, जो पिछले 2 साल से जो पूरी दुनिया पैंडेमिक झेल रही है, उसके बावजूद सर्विस सेक्टर का ग्रोथ तेजी से चल रहा है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, प्लेटफॉर्म बदल रहा है। कभी एक दौर था जब 1750 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जब फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई, फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई, जो छोटे छोटे उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, घरों में थी, वो एक छत के नीचे आ गए, एक छत के नीचे आ गए।
टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन प्रोसेस को कई गुना बढ़ा दिया। मैन पावर की जगह पे मशीन पावर का उपयोग होने लगा। एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक स्टीम का उपयोग करने लगा। यदि एक फैक्ट्री सिस्टम बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए जिसके अंदर एक साथ हजारों लोग काम करते थे, एक छत के नीचे काम करते थे, लेकिन इस पेंडेमिक ने क्या किया कि फिर से इसको स्कैटर्ड कर दिया। आज वर्क फ्रॉम होम की तरफ हम आ गए, यानी फिर अब ये घर जो है ना वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हो रहा है, लेकिन हम उस दौर में नहीं वापस जा रहे जो 1750 के पहले का दौर था। लेकिन कमोबेश स्ट्रक्चर वही है कि अब एक छत के नीचे इकट्ठा होकर प्रोडक्शंस करने के बजाय, उत्पादन करने के बजाय, हम अपने घरों से ही अपना कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और विशेषकर अगर आप सोचिए कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद हो जाए, कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद हो जाए तो करेंसी प्रिंट की जरूरत नहीं पड़े। 100% अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो तो फिर करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे विड्रॉल डिजिटल, विड्रॉल भी डिजिटल फॉर्म में होगा और क्रेडिट भी डिजिटल फॉर्म में होगा, वैसी स्थिति में बैंकों की एक अलग अलग ब्रांचेस खोलने की क्या आवश्यकता हो। एक सेंटर से पूरी दुनिया को ऑपरेट किया जा सकता है अगर ये डिजिटल 100% अगर डिजिटल हो जाए। उसी प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर को एक जगह से बैठकर, जिस प्रकार टेलीकॉम्युनिकेशंस को एक जगह से बैठकर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा रहा है, यहां भी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर फिर से हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। ये पैटर्न बदलता है, एक शताब्दी के बाद निश्चित तौर पर प्रोडक्शन मोड में भी बदलाव आता है। और अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नया चैलेंज है। अब हम तीसरे, ये पांचवें उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं कि पांचवा इसका उद्देश्य क्या है। अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, अविरत अनइंटरप्टेड, अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। विकास करना, यानी अनइंटरप्टेड, जिसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल यानी वो विकास जो टिकाऊ, वो विकास जिसमें टिकने की क्षमता हो, यानी भविष्य की जरूरतों को, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना, यानी प्रेजेंट जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना, यानी भविष्य का भी, भविष्य का भी हमें ध्यान रखना होगा। भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है, भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी हमें सोचना होगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। और आज के हमारी
रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए अविरत विकास यानी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, अनइंटरप्टेड डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहे, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की जरूरत, यानी नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने की जरूरत है, नेचुरल रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की जरूरत है। और जब तक हम इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने यानी हमसे जो पहले थे वो हमारे लिए एक ऐसा वातावरण छोड़ के गए जिसमें हम कंटिन्यू कर सके, सस्टेन कर सके, तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आने वाले जनरेशन के लिए भी हम इतना कुछ छोड़ के जाएं। सिर्फ अपने सेल्फ तक सीमित रहना उचित नहीं है। अगर हम सेल्फ तक अगर सीमित रहते हैं कि हमारी जरूरत पूरी हो रही है, फ्यूचर की नीड को हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह प्राप्त हो जाए। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखने के लिए अनइंटरप्टेड डेवलपमेंट और एक सस्टेन डेवलपमेंट की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी बनती है WTO की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखना इट मीन्स इस सृष्टि को बनाए रखने की जिम्मेदारी, इस पूरे विश्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी WTO की हो जाती है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब छठे अगर उद्देश्य की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, छठे उद्देश्य विश्व के संसाधनों का विश्व के संसाधनों का विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर अनुकूलतम प्रयोग करना है। यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी अगर हम विश्व के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो ये एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए। यानी पर्यावरण से जितना हम ले रहे हैं उसे बैक टू बैक हमें लौटाना चाहिए। और जब हम लौटाएंगे तो एनवायरमेंट में एक सृजन की क्षमता है, क्रिएशन की क्षमता है, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर उसका एक्सटॉर्शन होने लगे तो फिर क्रिएशन स्लो हो जाए और डिस्ट्रक्शन तेजी से हो, क्रिएशन स्लो हो, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर उसे हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जितना हम नेचर से ले रहे हैं बल्कि उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो हम उसे बैक करें, उसे वापस करें, ताकि वो भी अपने को बचाए। इसलिए विश्व के संसाधनों का उपयोग अगर हम करें तो इसे पर्यावरण डिग्रेड नहीं होना चाहिए। ये सबसे जरूरी, इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन विश्व के संसाधनों का हमें करना चाहिए, चाहे वाटर हो, फॉरेस्ट हो, मिनरल्स हो, क्योंकि हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम पानी नहीं बना सकते हैं, पेड़ नहीं बना सकते हैं, हम खनिज नहीं बना सकते हैं, हम कोयला नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि ये नेचर ने जो हमें दिया है उसे हमें बचाने की जरूरत है। और ये तब बचेगा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, सोलर
विंड, टाइडल, जिसमें काफी संभावना है अगर इन रिन्यूएबल्स एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल करें तो जो फॉसिल फ्यूल जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा उसको हम बचा सकते हैं। इस एनर्जी का अगर उपयोग करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, अगर इसका इससे ये सारे एनर्जी के सोर्स इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि फॉसिल फ्यूल हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। इसलिए हमें धीरे 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 इस पर से निर्भरता कम करके हमें इस पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। और हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास इसकी संभावनाएं हैं, भारत इसमें कैपेबल है। कैसे है? अगर भारत को देखें तो भारत का जियोग्राफिकल अगर स्टेटस अगर हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, इक्वेटर के बिल्कुल पास है। इक्वेटर के पास होने के कारण भारत में 365 दिन में सिर्फ 360 दिन सूरज चमकता है। मई और जून के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ती तो हमारे पास सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। गुजरात का कच्छ, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जहां पर रेगिस्तान, वहां पर तेज हवाएं चलती, यानी पवन ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इन तेज हवाओं का भारत का 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। कई तट काफी गहरे हैं जहां पे ज्वार भाटा यानी टाइडल एनर्जी ये काफी संभव है। भारत में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, यानी तो उत्तर का जो क्षेत्र है हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। सैकड़ों नदियां हिमालय से निकलती हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में, हिल एरिया में छोटे छोटे डैम बनाकर हम हाइडल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। इस प्रकार देखें तो हमारे पास रिसोर्सेस क्वांटिटी बहुत ज्यादा, सिर्फ हमें उसे यूटिलाइज करने की जरूरत है। हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि उसका हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकें। अब इसका जो सातवां उद्देश्य,